है जयपुर के एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप का 174 करोड़ की बिड लगाई गई है। अडानी ग्रुप ने 7 कंपनियां जयपुर एयरपोर्ट लेने के इच्छुक थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि 7 कंपनियां जयपुर एयरपोर्ट लेने की इच्छुक थी और इसी को लेकर यहां पे 174 करोड़ की बिड लगाई गई है अडानी ग्रुप ने। तो यहाँ पे 174 करोड़ की बिड लगाई गई है अडानी ग्रुप ने और 7 कंपनियां जयपुर एयरपोर्ट लेने की इच्छुक थी। तो जयपुर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है और 174 करोड़ की बिड लगाई गई है अडानी ग्रुप ने और 7 कंपनियां जो है वो जयपुर एयरपोर्ट लेने की इच्छुक थी। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट की मेंटेनेंस और बाकी सुविधाओं की जिम्मेदारी उस कंपनी को होगी जिसको ये टेंडर मिलेगा। बिड लगाई जा रही है, 7 कंपनियां इस रेस में बताई जा रही हैं जिसमें अडानी ने बिड लगा दी है 174 करोड़ की। हमारे साथ हमारे सहयोगी काशीराम भी जुड़ गए। काशी, अडानी ग्रुप की तरफ से जो बिड लगाई गई है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर दिखाई देती है वहां पर, बाकी कंपनियों की तरफ से कब तक खुलासा होगा? देखिए सुषमा, बड़ी बात ये रही है कि सबसे ज्यादा बिड जो रही है अडानी ग्रुप की रही है। 174 रुपए प्रति यात्री की दर से अडानी ग्रुप ने खरीदा है जयपुर एयरपोर्ट को और अगले 50 साल तक अब जयपुर एयरपोर्ट का जो संचालन है वो अडानी ग्रुप करेगा। यानी अब जयपुर एयरपोर्ट का जो संचालन है वो अडानी ग्रुप ही करेगा और साथ में बड़ी बात ये भी है कि अकेला जयपुर ही नहीं बल्कि देश के 4 और एयरपोर्ट हैं उन पर भी अडानी ग्रुप का ही कब्जा रहा है। यानी कि कुल जो 6 एयरपोर्ट जयपुर सहित थे उसमें से 4 एयरपोर्ट अडानी को मिल गए, ये कहा जाए काशी? निश्चित रूप से, देखिए अहमदाबाद, लखनऊ, त्रिवेंद्रम और मंगलौर एयरपोर्ट ये भी अडानी ग्रुप के उसमें कब्जे में आ गए क्योंकि अब इन्होंने सबसे ज्यादा बिड लगाई है। एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बार एक कुल राशि तय नहीं की थी बल्कि ये तय किया था कि प्रति यात्री जो पैसेंजर सर्विस फी ली जाती है उसमें जो सबसे ज्यादा हिस्सा देगी एयरपोर्ट अथॉरिटी को उस कंपनी को एयरपोर्ट का संचालन दिया जाएगा। तो जयपुर की हम बात करें तो 174 रुपए प्रति यात्री का जो फीस है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जाएगी अडानी ग्रुप द्वारा। तो ये सबसे ज्यादा पीएसएफ उन्होंने चयन करी थी और इसी वजह से अडानी ग्रुप को चुना गया जयपुर एयरपोर्ट के लिए। अच्छा काशी, इसको अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखें, ये तो आप जो चीजें वो समझा रहे हैं लेकिन अडानी और अंबानी ग्रुप को लेकर के विरोधी हमलावर भी रहे हैं, तो क्या इसके पीछे भी कुछ ना कुछ बयान देखने को मिल सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से ये कंपनियों की प्रतिस्पर्धा थी और सबने अलग अलग दरें लगाई थी और इनमें जो अभी हम मानते हैं सबसे ज्यादा जो रेट जो हम बात करें तो वो जो रही है वो अडानी ग्रुप की रही है 174 रुपए की। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है जिसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एक दूसरी कंपनी थी उसने 125 रुपए प्रति यात्री की पैसेंजर सर्विस फीस लगाई थी और दूसरी जो जीएमआर कंपनी है जो दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करती है उसने हालांकि रेट काफी कम लगाई थी, 69 रुपए प्रति यात्री को उसने पैसेंजर सर्विस फीस तय की थी तो उसे कम माना गया। तो इस वजह से जो अपनी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब जयपुर सहित 6 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने का फैसला किया गया तब भी इसका विरोध हुआ था और अब एक बार फिर से विरोध की तस्वीर देखने को मिल रही है। जयपुर सहित देश के 6 हवाई अड्डों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर भूख हड़ताल शुरू हो गई है और क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं एयरपोर्ट के कर्मचारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से यह हड़ताल की जा रही है। शाखा सचिव रविंद्र सिंह हड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जयपुर सहित 6 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको निजी हाथों में देने का फैसला लिया गया था जिसमें जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम और मंगलौर एयरपोर्ट शामिल किए गए थे और इनमें से 4 एयरपोर्ट जो है अडानी को सौंप दिए जाएंगे। अब बिड लगाने के बाद तस्वीर क्लियर हो गई है लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है और लाजमी है कि इस पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हवाई अड्डों के निजीकरण को लेकर भूख हड़ताल की तस्वीरें हैं जयपुर एयरपोर्ट की। यहां पर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। काशी लगातार हमारे साथ बने हुए। काशी, विरोध पहले भी सुनने को मिला था, नारेबाजी, बयानबाजी, लेकिन इस बार की ये भूख हड़ताल, क्या वाकई में ये भूख हड़ताल कुछ कारगर होगी या फिर यूं ही? काशी, क्या आपको आवाज मिल रही है?
तो एक बार फिर से काशी से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर पहले निकल कर आती है कि 174 करोड़ के बिड के साथ अडानी ग्रुप ने ये जो प्रतिस्पर्धा थी, जो प्रतियोगिता थी जिसमें 7 कंपनियां शामिल थी, उसे जीत लिया है। जयपुर एयरपोर्ट अब अडानी ग्रुप का हो गया है। अब यहाँ की मेंटेनेंस, यहाँ के तमाम सुविधाओं का जो जिम्मा होगा वो अडानी ग्रुप के कंधों पर होगा। तो आपको बता दें कि 6 एयरपोर्ट ऐसे सेलेक्ट किए गए थे जो सबसे क्राउड वाले एयरपोर्ट्स माने जाते हैं, वहां पर जिम्मेदारी जो है प्राइवेट कंपनी को देने की बात कही गई थी। तब भी कर्मचारियों ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका विरोध किया था, और अब एक बार फिर से विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 28 फरवरी को जयपुर एयरपोर्ट निजी हाथों में चला जाएगा, अडानी के हाथों में चला जाएगा। और हमारे साथ काशी एक बार फिर से जुड़ गए। काशी, ये विरोध की तस्वीरें हम देख रहे हैं भूख हड़ताल की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसका अनाउंसमेंट किया गया था तब भी विरोध के स्वर सुनाई दिए थे। अब इस भूख हड़ताल का क्या मतलब है, जब ये तस्वीर क्लियर हो गई कि अडानी के हाथों में एयरपोर्ट होगा? जी बिल्कुल, देखिए अब इस भूख हड़ताल का वैसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब चूंकि फैसला हो चुका है कि बिड अब अडानी ग्रुप के नाम खुल चुकी है, और 28 फरवरी को इसका लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया जाएगा, यानी लेटर जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद जुलाई तक का जो समय रहेगा 4 महीने का, जिसमें की जो अडानी ग्रुप है वो अधिग्रहण कर लेगा जयपुर एयरपोर्ट पर, और उसके बाद अब चूंकि जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं उनका अलग अलग हवाई अड्डों पर स्थानांतरण किया जा सकता है, या दूसरा विकल्प ये भी रहेगा कि उनको समायोजित भी किया जा सकता है निजी कंपनी यानी अडानी के साथ में, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन रहेंगे। तो जो कर्मचारी समायोजित होना चाहते हैं यहाँ पर वो रुक सकते हैं, और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको अलग अलग जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के एयरपोर्ट है जयपुर में, जैसे जयपुर के अलावा बात करें हम तो किशनगढ़ में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, तो इन एयरपोर्ट पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अच्छा, इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन का क्या कहना है इस कंडीशन पर, जो कंडीशन उनके सामने रखी गई है? देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉयज यूनियन लगातार इसका विरोध कर रही थी कि निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि जो 6 एयरपोर्ट जो निजीकरण किए जा रहे हैं वो सभी लाभ में चल रहे हैं, यानी फायदे में है, तो उनको निजीकरण उनका नहीं किया जाना चाहिए, और जो घाटे के एयरपोर्ट है उनको प्राइवेट कंपनियों को दिया जाना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और उन पर फ्लाइट भी बढ़ सके। और आगे अब क्या कुछ किया जाएगा, अभी तो भूख हड़ताल शुरू की गई जबकि ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, तब आगे क्या करेंगे? इनका ये कहना है कि जो दिल्ली स्थित इनका जो केंद्रीय यूनियन है उससे इस बारे में गाइडलाइन मांगी जाएगी, और उनका जो फैसला होगा उसको यहाँ जयपुर में लागू किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया काशी तमाम जानकारी के लिए।